आज हम ये डिज़ाइनर पिल्लो कवर बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर मेरे पास एक ऐसी सलवार पड़ी हुई थी जिसका कि मैं यूज़ नहीं करती हूँ, पहनती नहीं हूँ, और इसकी जो बेल्ट है मैंने अलग कटिंग कर ली है। बेल्ट वाली सलवार थी ये, और 2.5 इंच चौड़ी मैंने यहाँ पर स्ट्रेट कपड़े की स्ट्रिप काट लेनी है। टोटल यहाँ पर मैंने 4 जो स्ट्रैप है वो कटिंग कर ली है। चारों का साइज जो है चौड़ाई में 2.5 इंच है लेना है। अगर आप नया कपड़ा लेती हैं तो 2 पिल्लों के लिए आपको जो स्ट्रेट कपड़े की ये स्ट्रिप है वो 1/2 मीटर कपड़ा आपको लेना होगा। इसके बाद हम रेड कलर का, ये मेरे पास एक ओल्ड कुर्ता था, इसमें से मैं काट रही हूँ। अगर आप नया फैब्रिक लेंगे तो आपको 1/2 मीटर नया फैब्रिक लेना होगा। तो देखिए, जितना कि मैंने वाइट कलर की स्ट्रिप की चौड़ाई कटिंग की थी उससे 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मैं रेड कलर की स्ट्रिप की चौड़ाई कटिंग कर लूँगी। अब देखिए, ये जो रेड कलर की स्ट्रिप है इसे हम सेंटर में रखेंगे, और जो वाइट कलर की स्ट्रिप है इसको हम इस रेड कलर वाली स्ट्रिप के आगे पीछे इस तरह से स्टिच कर लेंगे। यूं रख के हमें स्टिच कर लेना है दोनों साइड पे। तो देखिए दोस्तों, हमने ये तैयार कर लिया है। तो देखिए दोस्तों, अब हमने यह पिल्लो कवर के फ्रंट के लिए लाइनिंग ले ली है। लाइनिंग की लेंथ और वेथ हमें पिल्लो के लेंथ और वेथ से 1/1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। अब देखिए, हमने लाइनिंग का पीस ले लेना है। जितना भी आपका पिल्लो कवर है उस पिल्लो से आपको 1 इंच एक्स्ट्रा और 1 इंच एक्स्ट्रा वेथ में और लेंथ में ये लाइनिंग वाला फैब्रिक ले लेना है, और इसके एकदम सेंटर पे हमें मार्क लगा लेना है, जैसे कि मैं आपको लगा के। अब देखिए, हमने ये एक ट्रायंगल पीस ले लिया है जो कि यहाँ से तिरछा है 5.4 इंच और यहाँ से है 4.5 इंच। तो इसको हमें सेंटर से यूँ फोल्ड कर लेना है और सेंटर पे एक छोटा सा नोचिस लगा लेना है। नोचिस लगाने के बाद देखिए, इस पीस को हमें जो हमने लाइन लगाई है उस पर रखना है। देखिए, ये जो सेंटर वाला हिस्सा है ये और कॉर्नर वाला हिस्सा इस तरह से रख लेना है। अब हम इस पर जो हमने स्ट्रिप बना के तैयार की थी वो लगाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें थोड़ा सा इस कॉर्नर को देख के लगाना है, और तो देखिए, इस पीस को हमें इस जो ट्रायंगल वाला पीस है उस पर स्टिच कर लेना है। यहाँ पर ये कॉर्नर बार को आना चाहिए, तो ऐसे हमें इसे रखना है और स्टिच लगा लेनी है। इसे कट कर लेंगे और इसे टर्न करेंगे राइट साइड की तरफ। अब हम इस साइड पे दूसरा पीस लगाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमें इसे पहले सीधा करके आप नाप लीजिए कि कैसे रखना है, फिर ये जो कॉर्नर है मिलना चाहिए ऊपर से। तो अब हम यहाँ पर इसे रखेंगे और स्टिच लगा लेंगे एंड तक। एंड तक देखिए कहाँ तक लगाते हैं हम, ये हमने एकदम सीधी स्टिच लगानी है। और जो ये वाली स्ट्रिप है इसके बराबर हमें इस को कटिंग कर लेना है, और यहाँ तक हमें इसे स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद हम इसे पहले तो थ्रेड को कटिंग कर लेंगे और फिर इसे सीधा करेंगे ऐसे करके, ठीक है। ये देखिए ऐसे, तो ये वी शेप जो है वो बन जाएगा। अब देखिए, हम नेक्स्ट इधर की स्ट्रिप लगाएंगे। इसको देखिए ऐसे रखना है हमें और स्टिच लगा लेनी है।
तो देखिए जो स्ट्रिप की लेंथ है वो मैंने नीचे वाली स्ट्रिप के बराबर कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पे भी हम पहले थ्रेड कटिंग करेंगे, फिर देखिए इसको सीधा कर लेंगे यानी टर्न कर लेंगे राइट साइड की तरफ ऐसे अच्छे से। इसके बाद हम नेक्स्ट स्ट्रिप जो है यहाँ से लगाएंगे। इस पर भी स्टिच लगाने के बाद हम इसकी लेंथ को नीचे वाली जो रेड और वाइट कलर की स्ट्रिप है उसकी लेंथ के बराबर हमें इसे काट लेना है। दे देखिए यहाँ तक हमें स्टिच लगानी है, थ्रेड काटना है पहले, इसे राइट साइड की तरफ टर्न करना है और फिर इसके बाद हमें यहाँ पर नेक्स्ट स्ट्रिप लगानी है। तो इसी तरीके से हमें पूरी की पूरी लाइनिंग को फिल कर लेना। तो पिलो कवर का फ्रंट साइड जो है यहाँ तक तैयार हो गया है, बाकी का जो हिस्सा है लाइनिंग वाला उसे भी हम पूरा का पूरा फिल करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने इसे पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है किनारों पर उसको हम ट्रिम करके लाइनिंग के एकदम बराबर कर देंगे। तो देखिए दोस्तों अब मैंने ये रेड कलर का फैब्रिक ले लिया है जो कि मैं बैक साइड पे लगाऊंगी इस पिलो कवर के। इसकी जो लेंथ है वो मैंने ली है 12 इंच और इसकी जो वेथ है पिलो कवर के बराबर है। तो यहाँ से करीबन हमें 1.5 इंच फोल्ड करके तीनों तरफ स्टिच कर लेना है इसे। तो देखिए अब हम जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा है इस पर इस रेड कलर के फैब्रिक को कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें तीनों तरफ स्टिच कर लेनी है इस पर। अब हम इस कवर को सीधा कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों बैक साइड पे यहाँ पर आप वेलक्रो या फिर काज बटन कर सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत ये पिलो कवर लग रहा है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।